हाय गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड बहुत दिनों बाद वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज हम निकल चुके हैं बहुत जरूरी काम के लिए, जो आज मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो आप अभी नहीं देख सकते। आई एम वेरी 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 सॉरी। एग्जैक्टली, मतलब मजा आना चाहिए ना सही चीज को सही वक्त पे देखने का, जो मजा है। तो इम्पोर्टेंट चीज है कि सच में नहीं दिखा सकते। एग्जैक्टली, तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरा ब्लॉग काफी दिनों से नहीं आया, बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी। ये भी अपना भोपाल का ट्रिप जो है मस्त मजे करके वापस आ गई है और ये काम इसी के लिए अटका हुआ था कि इसमें इसका होना बहुत जरूरी है। सो आप लोग थोड़ा थोड़ा गैस मार सकते हैं कि ये क्या है। सो अभी हम जा रहे हैं, रस्ते में है, काफी दूर है ये जगह। मीनवाइल आप देख के आइए कि मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या क्या किया, उसके बाद मिलते हैं। ये वीडियो है 20th यानी के 20 तारीख का, जब हम लोग निकल गए थे। और ये सी लिंक का ये जो व्यू है ना, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं जब भी जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा ये शूट करूँ और हमेशा ये ब्लॉग में डालूँ। इसका मज़ा ही कुछ और है, फील ही कुछ और है। और अगर हम सी लिंक क्रॉस कर रहे हैं तो आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हम जा रहे थे टाउन साइड यानी कि क्रॉफर्ड मार्केट की तरफ। टू बी प्रिसाइज, आगे की क्लिप सुन लीजिए, हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। आज हम फिर से जा रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट, क्योंकि बहुत 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 सारा काम है। दो बहुत इम्पॉर्टेंट आउटफिट्स के फैब्रिक लेने, और वो फैब्रिक ऐसे हैं जो शायद मुझे सिर्फ यहाँ मिले, क्योंकि अंधेरी में मैं हर जगह छान मार चुकी हूँ, मुझे जो बनवाना है उस हिसाब का फैब्रिक नहीं मिल रहा है। तो इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वो है। एंड देन लिस्ट बहुत लंबी है, लेसेस लेनी है, पैकेजिंग के लिए मटेरियल लेना है, हैम्पर्स के लिए पैकेजिंग के लिए मटेरियल लेना है, मतलब बहुत। मैं अभी लिस्ट लेके बैठूंगी तो बहुत वक्त निकल जाएगा, तो देखते हैं आज हम कितना अचीव कर पाते हैं। एंड हम चारों आए हैं, अभिषेक शूट कर रहा है, आती यहाँ बैठी है, धर्म दादा मेरे पीछे बैठे हैं। सो आज हम कैब से आए हैं क्योंकि कैब वाले ड्राइवर भी रहेंगे तो वो गाड़ी की पार्किंग वगैरह देख लेंगे और धर्म दादा हमारे साथ रहेंगे। सो इसीलिए देखते हैं आज कितना अचीव कर पाते हैं। अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं, फिर दिन की शुरुआत करते हैं। यस, पहुंच गए। ये एक सिल्क हाउस वहां पे है, स्पेसिफिकली मुझे वहां जाना था और उसमें जो फैब्रिक की तलाश में मैं आई थी वो मुझे मिल गया। और जैसे ही हम बाहर निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो हमने फैब्रिक्स को बहुत अच्छे से पैक करवाया और यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके हुए हैं कि बारिश थोड़ी कम हो तो हम चले, क्योंकि हम घर से एक बड़ी अम्ब्रेला लेके आए थे जो हमने कार में ही छोड़ दी, टैक्सी में ही छोड़ दी, और टैक्सी वाले भैया चले गए पार्किंग में। और आरती के बैग में एक छोटी वाली अम्ब्रेला थी जो बाद में आरती ने मुझे दे दी, क्योंकि मुझे कल रात को थोड़ा सा टेम्परेचर आया था तो उसने बोला कि तुम बीमार ना पड़ जाओ, ये लो ये तुम यूज़ करो। बारिश। सो ये आ गए हम जावेरी बाज़ार की गलियों में, जो थर्ड और फोर्थ लेन है उसमें लेसेस की शॉप्स हैं, तो ये हम वहाँ आए हैं। और काफ़ी अच्छी वैरायटी मिलती है यहाँ पे। ये हम एक शॉप के अंदर आ गए, यहाँ मुझे जो भी चाहिए था वो सब बहुत अच्छे से मिला। ये देखिए हमारा रजिस्टर हमारे साथ कि हमें किसके लिए क्या लेना है, ये हमने घर पे बैठ के भी डिसाइड किया था और यहाँ पे हम कुछ भूले ना इसलिए स्पेसिफिकली हम लोग टैली भी करते जा रहे थे। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे लेसेस की बहुत अच्छी वैरायटी थी तो शॉपिंग करने में बड़ा ही मज़ा आया। ये इन्हीं की दूसरी शॉप है थोड़े और पीछे जिसमें थोड़ी डिफरेंट वैरायटी है, तो ये हमें वहाँ भी लेके गए, वहाँ भी हमने काफ़ी कुछ लिया। एंड शॉपिंग करते करते हम थक भी गए थे लेकिन मन नहीं भरा सच में, मतलब मज़ा आ गया शॉपिंग करके बहुत ज़्यादा। और ये हो गई हमारी सारी शॉपिंग और अब टाइम टू पैक ऑल दिस एंड बस चलते। आज लेसेस खरीदने का दिन था एंड बारिश होने लग गई तो मैं डर गई थी। लकीली बहुत अच्छी शॉप में हम घुसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, यहाँ भी है, इनके पीछे भी एक शॉप है, बगल में भी एक शॉप है, पर ये पूरी तरह से होलसेलर है। तो आप यहाँ तभी आए जब आपको बहुत बल्क में लेना है, बहुत अमेजिंग वैरायटी है। इसका शॉप नंबर, गली नंबर, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी बाहर से। शॉप नंबर है
54-56 फैशन टच, ये पूरी लेन है लेसेस की। हम इत्तेफाक से यहाँ घुसे और यहाँ सब कुछ मिल गया। तो चलिए आज का काम बहुत जल्दी खत्म हो गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। अभी चलते कुछ खाते हैं, भूख लगी। और ये है मंगलदास मार्केट, जो मैं पिछली बार गई थी कपड़ों के लिए, और यहीं पे जाके आगे जावेरी बाज़ार है। और ये बड़े ही कमाल के भैया थे वहाँ पे, जो बॉइल्ड कॉर्न चाट बना रहे थे। हाय हाय, बहुत मतलब इतनी यमी चाट बनाई है इन्होंने, मैं आपको बता नहीं सकती। वन ऑफ द बेस्ट चाट्स दैट आई हैव, कॉर्न चाट्स दैट आई हैव एवर ईटन। और मुझे इनका ये पोस्टर बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो ये तो शेयर करना आपसे बनता था। ये यम यम, आप लोगों के मुंह में पानी आया आया ना। अभिषेक की स्पेसिफिक डिमांड पे हम लोग रुके बैचलर्स पे, क्योंकि उसको यहीं पे खाना था और चॉकलेट मिल्क शेक पीना था। आप यहाँ कभी भी अगर आए बैचलर्स तो यहाँ पे चौपाटी के एकदम ऑपोजिट है, और यहाँ पे आप क्लासिक चॉकलेट मिल्कशेक ज़रूर पिए। मैंने इससे बेटर क्लासिक चॉकलेट मिल्कशेक आज तक कहीं नहीं पिया है। और ये आ गए हमारे सैंडविचेस और हमारा खाना, और फिर हमने खूब अच्छे से खाया, इन्जॉय किया। सबने सब भूखे थे एक्चुअली, ड्राइवर भैया भी, धर्म दादा भी, आरती भी, अभिषेक भी। हमने ना जब से घर से निकले थे हमने तब से कुछ भी नहीं खाया था, और करीब शाम हो गई थी। कुछ सोचा है? तो आज पापा शीतल के लिए कार्ड बना रहे हैं, है ना? वैसे उसका बर्थडे 20 को था, लेकिन हम आज उसके लिए बर्थडे मनाएंगे। यस, तो ये पापा शीतल के बर्थडे के लिए कार्ड बना रहे हैं। वैसे उसका बर्थडे 20 को था, पर उस दिन वो छुट्टी पे थी, उसके अगले दिन मैं बहुत बिजी थी, तो हमने उसका बर्थडे मनाया 22 को। कुछ नहीं, छोटा सा है। चेयर पापा, आपके लिए चेयर लानी है? ठीक है, चलो। द बर्थडे गर्ल इज फाइनली हियर। Thank you so much. Really very special. Come on, चलो गाएंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sheetal. Happy birthday to you. God bless you. Thank you so much. Wow. किसने बनाई? हमने बनाया है। उन्होंने काट के दिया था। पर वो एक बार रीड करके सुनाए ना जोर से। थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। एक बार पढ़ाओ, सुनाओ। सबके कार्ड जोर से पढ़ते हैं, है ना? मैं पढ़ूंगी, आप पढ़ोगे? मैं पढ़ो। आप हमारे बहुत ख्याल रखती हो, आपकी उम्र में और आपके हस्बैंड और बेटी के उम्र में बरकत हो, आपकी बच्ची पढ़ लिख कर कोई ऑफिसर बने, यही हमारी दुआ है। आप हमारा एक डॉक्टर से भी बढ़कर ख्याल रखती हो, आपको ढेर सारा प्यार। हमारे पास कुछ देने के लिए तो कुछ नहीं है, बस दुआएं दे सकते हैं, बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच। ओले, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। बस बस बस। मुझे पापा और शीतल का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अडोरेबल लगता है। यू नो, हम शीतल से मिले एज अ फिजियो, जो पापा का फिजियो कराएंगी, एज अ डॉक्टर और पापा को ठीक कराएंगी। लेकिन शीतल इज़ वन ऑफ दोज डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट्स के लिए एक्स्ट्रा माइल जाने से बिल्कुल भी नहीं कतराती है। उसने कभी भी पापा, मतलब मेरी आंखों के सामने की बात है, उसने पापा को कभी भी सिर्फ एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं किया कि हाँ मैं आऊँगी, मैं अपना इतना फिजियो करूँगी एंड आई लीव। नो, शी इज़ टेकन सो मैनी दोज एफर्ट्स कि शोएब का बर्थडे आ रहा है तो पापा को कन्विंस करना कि पापा कार्ड बनाएंगे, और पापा की हेल्प करना, वो सारा चार्ट पेपर, स्केच पेन वगैरह सब वो लेके आती थी। देन इवन फॉर माई बर्थडे, यू नो, ऑल दीज थिंग्स टू मेक श्योर दैट पापा गेट्स बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ जितना हो सके। एंड इट्स जस्ट वेरी स्पेशल। सो शीतल, इन नो टाइम तुम हमारी फैमिली का एक बहुत ही क्लोज हिस्सा हो गई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट।
each and every effort that you've taken till date for papa, for all of us, and तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली में इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स एड ऑन हुए हैं, तो उसके लिए यू नो इट्स देयर ऑलवेज अ स्पेशल ग्रैटिट्यूड जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहेगा. सो ये एक छोटी सी कोशिश थी तुम्हें स्पेशल फील कराने की, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा दैट यू हैड अ वेरी नाइस स्माइल ऑन योर फेस. सो येस वंस अगेन बिलेटेड हैप्पी बर्थडे शीतल. सो येस ये आज है सुबह जो आपने मुझे और सबा को कार में देखा. मैं घर आ गई और उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, एंड अभी फिर से कल निकलना है वापस से, कुछ काम है. तो अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे काम तो बढ़ते ही चले जाएंगे, लेकिन आज जिस काम के लिए हम गए थे, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आज नहीं बता सकती, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ. आई एम सो हैप्पी. जैसे कि मैंने पहले बोला था कि एवरीथिंग इज फॉर सबाज हैप्पीनेस, तो आज सबा के चेहरे पे जो स्माइल थी वो देख के मैं और ज्यादा हैप्पी हो गई. वो भी बहुत ज्यादा खुश थी, वो भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी, और मैं भी बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ आज की. ओके यू नो जैसा सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है. सो आपको मैं इतना बोलती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको बता नहीं सकती, सब बता नहीं सकती. तो मैंने एक चीज़ डिसाइड की है उसको थोड़ा सा कॉम्पेंसेट करने के लिए, कि मैं अपने लिए क्या क्या आउटफिट प्लान कर रही हूँ, क्या फैब्रिक ले रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, ताकि आप स्टेज वन से मेरे साथ जुड़े रहें, एंड फिर जब फाइनल आउटकम आप उस दिन देखेंगे तो आई थिंक वो हमारे लिए टुगेदर बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा. सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए क्या लेके आई हूँ और इसका मैं क्या बनाने वाली हूँ. दिखाऊँ? चलिए दिखाती हूँ. सो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए. ओके सो ये देखिए, ये इसका बनेगा नीचे का लहंगा और इसका बनेगा टॉप, और इसके साथ मैं लूँगी नेट का दुपट्टा. अब इस पे मैं काफ़ी सारी गोल्डन लेसेस वगैरह ऐड करूँगी और उसको और ज़्यादा अच्छा खूबसूरत हैवी बनाऊँगी, और इस पे भी अगर मुझे बूटी वगैरह ऐड करनी हुई तो वो करूँगी, बॉर्डर दामन में, स्लीव्स में, जो भी. मैं डिज़ाइनिंग तो बाद में करूँगी, पर फिलहाल मैंने अपने लिए ये फैब्रिक लिया है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट फैब्रिक्स जो मैंने अपने लिए ख़रीदा है. कैसा लग रहा है? अच्छा लगेगा ना जब पूरा बन जाएगा. नेक पे थोड़ा काम, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा काम है, क्योंकि कपड़ा ही अपने आप में काफ़ी ग्रैंड है और काफ़ी रॉयल है, तो थोड़ा सा नेक पे आएगा, बहुत ही एलिगेंट क्लासी एकदम बहुत अच्छा सा लगेगा. तो ये बहुत अच्छा लगने वाला है. उसके साथ नेट का दुपट्टा सेम मरून कलर का मैं जो है डाई करने के लिए दे दूँगी. सो चलिए अब मेरे आउटफिट्स आप और मैं मिलकर जो है क्रिएट करेंगे. स्टार्ट से आप हिस्सा बने रहेंगे. सबका नहीं बताऊंगी क्योंकि सबका बता दिया ना तो मज़ा चला जाएगा. मैं बार बार यही कह रही हूँ, कुछ सरप्राइज आपके लिए भी होना चाहिए. इसका भी फाइनल आउटकम नहीं बताऊंगी, हाँ ये बताऊंगी क्या फैब्रिक है, क्या लेस है, कैसा है, वो सब बताऊंगी. तो मेरे आउटफिट्स जो है वो सारे आपको पता होंगे और आप भी इंतजार करेंगे मेरे साथ कि मैं फाइनल डे पे जब वो पहनूंगी तो कैसा लगने वाला है. ये वाला व्लॉग मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ. पता नहीं कितने दिनों से मैंने बिट्स में शूट किया है. देयर वर फ्यू डेज जहां मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, और अब आगे मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि मैं जैसे आपको कंटिन्यूस व्लॉग्स दे रही थी वैसे कंटिन्यूस व्लॉग्स में मैं आपको अपडेट देती रहूं. सो जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ. पूरी कोशिश करूंगी कि कल ही मिलें. तब तक के लिए ये ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार देख लेते हैं कौन आया है. आई एम श्योर शोएब आए हैं, तो आप भी एक क्विक हाई कर दीजिए इनसे. हाँ जी शोएब भी आए हैं, हाई कर दो.